हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन बेस्ड ग्रामर क्लास। और आज है डे 23, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ते हैं। कल हमने पास्ट सिंपल लिया, जो एक्टिविटी पास्ट में हो गई। पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे वह कल जयपुर गया, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। मैं कल उससे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। जो पास्ट में हुआ, पास्ट इवेंट्स के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि कोई एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी, कोई काम हो रहा था, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा था, वे बाहर जा रहे थे, वह यहां आ रही थी, वह बाहर खड़ा हुआ था, वे बाहर खड़े हुए थे, वह कहीं छिपी हुई थी, रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी। कोई काम पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, कोई एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने लगाया था इज, एम, आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर। अच्छा, वाज कहां लगाएंगे, वर कहां लगाएंगे, ये भी देख लेते हैं। आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, सिंगुलर नाउन वाज, वी वर, यू वर, दे वर, प्लूरल नाउन वर, चिल्ड्रन वर, अ गर्ल वाज, टू गर्ल्स वर, और उसके बाद वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह चाय ले रहा था, ही वाज टेकिंग टी। वे बाहर खड़े हुए थे, They were standing outside. अब इसी का नेगेटिव, was वर यहां हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, फिर was में नोट लगाएंगे, शॉर्टन फॉर्म हो जाएगी वॉजन, और वर नोट को हम कहेंगे वरन, और उसके बाद वही वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह चाय नहीं ले रहा था, he wasn't taking tea. वे स्कूल नहीं जा रहे थे, they weren't going to school. अब इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो, was वर पहले ले लेंगे। क्या वह स्कूल जा रहा था, तो वॉज ही, और गो वर्ब है और उसमें लगाएंगे आईएनजी, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वे टीवी देख रहे थे, वर दे वॉचिंग टीवी। अब क्या वह ऐसा नहीं कर रहा था, तो इंटरो नेगेटिव, वाज में नॉट वाजंट, वर में नॉट वरंट। क्या वह चाय नहीं ले रहा था, wasn't he taking tea? क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, weren't they going to school? हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो इसी वाज वर्ब के पहले वह क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्या की इंग्लिश व्हाट, कहां की इंग्लिश वेयर, कब की इंग्लिश व्हेन। जैसे वह कहां जा रहा था, वेयर वॉज ही गोइंग। वे क्या कर रहे थे, वॉट वर दे डूइंग। अब हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है, प्लस नहीं भी है, तो हम wasn't, weren't के पहले वो क्वेश्चन वर्ड, और इस तरह से वही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे वह चाय क्यों नहीं ले रहा था, why wasn't he taking tea? वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, why weren't they playing cricket? अब देखिए, एक साथ सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एक वर्ब लेते हैं, सब में बदलते हैं, एक वर्ब लेते हैं डू। वह होमवर्क कर रही थी, she was doing homework. वह होमवर्क नहीं कर रही थी, she wasn't doing homework. क्या वह होमवर्क कर रही थी, was she doing homework? क्या वह होमवर्क नहीं कर रही थी, wasn't she doing homework? वह क्या कर रही थी, what was she doing? वह होमवर्क क्यों नहीं कर रही थी, why wasn't she doing homework? इसी पर एक पैराग्राफ लेते हैं। The scene of a platform. Past simple, past continuous दोनों का यूज करेंगे इसमें। Last Sunday, I went to railway station to receive my uncle. First, I bought my platform ticket and then I entered the platform. I saw, मैंने देखा, I saw. यहां तक past simple, verb की second form. So many passengers were waiting for the train. Some passengers were taking tea. Some passengers were standing. Some ladies were sitting on the benches. Some hawkers were selling their goods.
Some coolies were carrying luggage. After some time, the train came, passing by. I received my uncle and came back home. In this way, you can also make your own paragraph using the scene of a railway platform. Past simple and past continuous. Here we are going to finish today's class. Thanks a lot. See you tomorrow at 7 o'clock. Write your comments in comment box. Okay, bye.